तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अननू टेक्निकल में। तो दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, इस बार मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, और आप इससे बहुत ही अच्छे अपने कार्टून वीडियो को भी अच्छे से उसको डेकोरेट कर पाओगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही मस्त ऐप है जो कि मैं आज लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपको चले जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर, आपको सिंपली सर्च करना है पॉपी टून। दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पर देखिए मेक कार्टून विद द पॉपी टून्स। तो यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए कुछ इस टाइप का ऐप आपके सामने खुलकर आएगा। दोस्तों देखिए, इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आप भी इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप ओपन करोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, और यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है ओपन क्रिएट शेयर हेल्प। दोस्तों यहाँ से देखिए मैं सिंपली यहाँ से क्रिएट पे चला जाऊंगा। दोस्तों, जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऊपर देखिए एक प्लस का आइकन देखने को मिल रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड इमेज का। दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली ऐड इमेज कर लेना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमको बहुत सारे करेक्टर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने करेक्टर हैं, कुत्ते वाला है ये देखिए, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे करेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ये मधुमक्खी वाला करेक्टर है, यहाँ पर देखिए आदमी वाला है, कार वाला है, ये देखिए इस टाइप के बहुत सारे करेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चूहे वाला है, चूहे वाला है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मछली वाला करेक्टर है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आदमी वाला करेक्टर है आपको देखने को मिल रहा होगा, ये तैरता हुआ आदमी। और एक ये देखिए बहुत ही प्यारी सी, मतलब एक टूनी चिड़िया टाइप में एक ये करेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको भर भर के करेक्टर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से जो करेक्टर लेना चाहो आप ले सकते हो। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए मैं एक करेक्टर आपको लेकर दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए मैं एक ये मधुमक्खी वाला करेक्टर ले लेता हूँ। ये देखिए करेक्टर, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सिंपली डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों ये देखिए कुछ इस टाइप का करेक्टर हमारे यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इसको चाहो तो छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसा आप चाहो ऐसे दो उंगलियों से छोटा या बड़ा ऐसे करके कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको सिंपली ऐसे करके देखिए छोटा बड़ा जिस हिसाब से अपना साइज़ लेना हो आप उस हिसाब से साइज़ ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली ये ऐसे लेकर आना है बाहर, ऐसे लेकर आना है। लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली अब जैसे अपने कार्टून में इसको यूज़ करना है, उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको थ्री डॉट देखने को मिल जाएंगे ऊपर, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है बैकग्राउंड, आपको सिंपली बैकग्राउंड पे चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पर कलर पर चले जाना है और यहाँ से इसको ग्रीन स्क्रीन बना लेनी है। दोस्तों देखिए ये हमारा ग्रीन स्क्रीन हो चुका है। होने के बाद दोस्तों अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और दोस्तों इसका जो रिकॉर्ड का जो ऑप्शन है वो बहुत ही ईजिली है और इजी तरीके से आप इसको अपना रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं भी वो भी आपको यहाँ पे दिखा देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, रेड कलर का एक बटन टाइप का ऊपर देखने को मिल रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर साइड में जो लास्ट वाला है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां से रिकॉर्ड कर देना है। रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपने करेक्टर को ऐसे टच करना है और टच करके ऐसे धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे जितने स्पीड से आपको चलाना हो ऐसे कैसे करके आपको करना है। और ये देखिए नीचे लाइन जो है हमारी चल रही है, ये हमारा जो करेक्टर है वो रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे ऐसे करके चला देना है और ऐसे करके बैकग्राउंड के बाहर निकाल देना है। दोस्तों देखिए जो हमारा इतना करेक्टर है वो रिकॉर्ड हो चुका है, और यहाँ पर ऊपर देखिए आपको 14 सेकंड का कुछ यहाँ पर वीडियो जो है हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर प्ले का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ। ये देखिए ये दोस्तों हमारा जो मधुमक्खी वाला करेक्टर है कितना प्यारा सा और कितना बेस्ट करेक्टर आपको देखने को मिल रहा होगा, और कितना अच्छा आप किसी भी अपने वीडियो में या बैकग्राउंड के वीडियो में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। उस दोस्तों देखिए मैं और भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। दिखाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा जिससे हमने अभी अभी ये अपना करेक्टर लिया है, तो आपको सिंपली प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है और ऐड इमेज पे जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है बैकग्राउंड, आप जो बैकग्राउंड यहाँ से देखिए सेलेक्ट करना चाहते हो वो बैकग्राउंड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों देखिए कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड आ चुका है। उसके बाद दोस्तों और भी मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ से देखिए ये देखिए और बहुत सारे आपको बैकग्राउंड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसा आप बैकग्राउंड चाहो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ इसका, दोस्तों अगर आपको अपने इसको वीडियो में यूज़ करना हो तो यूज़ करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली इस पर टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके ये ऊपर शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिए वीडियो एक्सपोर्टिंग वीडियो होने लगा है।
दोस्तों देखिए जैसे एक्सपोर्ट होगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर देखिए लिखा है सेंड विथ फाइल, आप यहाँ से सेंड विथ फाइल भी कर सकते हो। अगर ये दोस्तों यहाँ से नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ व्हाट्सएप पे चले जाना है। व्हाट्सएप पर जाकर दोस्तों आपको कोई भी ऐसा एक नंबर ढूंढ लेना है जिसपे आपको शेयर करना हो, आप उस पर ऐसे करके शेयर कर दोगे। दोस्तों देखिए ऐसे करके कुछ शेयर कर दोगे, देखिए आप ऐसे करके कुछ शेयर कर देना। शेयर करने के बाद दोस्तों देखिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको देखिए ये जो इमेज है मैंने शेयर करी है ये देखिए आइए, ये देखिए आपको सिंपली इस ऐसे टाइप करेंगे इस पर और उसके बाद ऐसे करेंगे और यहाँ देखिए सेव शेयर टू सेव लिखा हुआ है, देखिए सेव शेयर लिखा हुआ है सेव लिखा, तो आप ऐसे करके सेव कर लेंगे तो हमारा जो वीडियो है वो और अपनी गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा। दोस्तों देखिए मैंने कुछ क्लिप बनाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल अन्नू टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं हमेशा ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।